राज्यभरात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव सुरूच आहे. लॉकडाऊन काळात रिक्षा चालकांचेही नुकसान झाले असून त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रणित नवभारतीय शिववाहतूक संघटना पनवेल शहराच्या वतीने रिक्षा चालकांना अन्नधान्य तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये याकरिता सुरक्षित पडदा अंतर किटचे वाटप भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हजी आराप शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. या कार्यक्रमास पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील, नगरसेवक मुकित काजी, मनोहर म्हात्रे, अजय बहिरा, निलेश बाविस्कर, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, उद्योजक इकबाल काजी, सरचिटणीस अमरीश मुकुल, अल्पसंख्याक शहर अध्यक्ष इम्तियाज बेग, उपाध्यक्ष एजाज आंबेलकर, नवभारतीय शिववाहतूक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष निर्गुण कवळे, जिल्हा चिटणीस साईचरण म्हात्रे, उबेद पवार, उपचिटणीस शावेज रिझवी, पनवेल शहर अध्यक्ष इस्माईल मुल्ला, सरचिटणीस निसार सय्यद, युवा नेते जवाद काजी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हजी आराप शेख यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. ऐसी जब महामारी को आती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब इंसान को होती है. उस गरीब इंसान के पीछे किसी ना किसी ने खड़ा रहने की जरूरत होती है, पर दूसरों ने बोल के खड़े हुए अलग बात है. खुद के मन से आगे आए हम लोग. रिक्शा की हमारी अगर संगठन है तो संगठन के माध्यम से अनाज बांटेंगे, मास्क बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, ये सोचकर आप आगे निकले हो. और मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि महाराष्ट्र में और देश भर में लाखों लोगों को, रिक्शा चलाने वालों को इंश्योरेंस पॉलिसी आपने विदाउट एनी मेंबरशिप दी के आपके सभी मेंबर को दी है. इसके लिए मैं आपका हम सभी साथियों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आज जरूर हम लोगों को मौका है कि भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ काम करने का हम सभी लोगों को मौका मिलता आया हुआ है. आज पनवेल या इस पूरे क्षेत्र में ये कॉरपोरेशन का क्षेत्र बन चुका है, तो कॉरपोरेशन के बनने के बाद में हम शहर के लोगों से काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों की है. अपनी ओर से हम लोग अपनी अपनी ये कोशिशों से ये सारा काम करते रहते हैं. मैं आमदार साहब से इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से कई मेरे बिरादरी के लोग आपके गुणगान करते ही है, आप मुस्लिम समाज का नेतृत्व यहाँ किस कितने अच्छे तरीके से करते हैं पूरे कान पे बात आती रहती है. लेकिन मेरा भी कुछ पर्सनल अनुभव आपके साथ आया जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहा, आप एक कमेटी के चेयरमैन रहे, तो मैंने मस्जिद के लिए आपको कॉल किया था कि आमदार साहब एक नवी मुंबई के अंदर एक मस्जिद डिमोलिशन होने जा रही है, आप तुरंत कॉल करो उस मस्जिद को बचाओ. और तुरंत विद इन 5 मिनट आमदार साहब ने सिडको के चेयरमैन को कहा और वो मस्जिद बचाने का काम किया. जब हमारी मार्केट की बात थी, भले से मार्केट थोड़े दिन के बाद उसका दिक्कत हुई, लेकिन उसको भी टेम्पररी बचाने का काम आपने किया. जिस तरीके से आपने खाटिक समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर एक जात पात को बाजू में रखते जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, मुझे मेरा दावा है, मेरा यकीन है कि समाज आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा. ये हाजी आराम आज को तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ समाज आपके साथ. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.